गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मंजू तिवारी अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग आज बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। आप लोग सोचोगे कि दीदी कहां पे जा रही हैं, तो मैं जा रही हूं दवा लेने, जो कि हॉस्पिटल मेरे घर के बगल में ही है। तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मैंने सोचा ब्लॉगिंग का थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं। देखो, मैं वीडियो एडिट कर रही हूं तो हमारे यहां कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर कुछ थोड़ा सा आवाज़ आती है तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं मेरे मतलब एक्सरे करवाया था लम्हा में, वही दवा लेने जा रही हूँ हॉस्पिटल में, हमारे गांव के बगल ही है स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र। तो बस इसके बाद कल सब उठने की रस्म होने वाली है, तो हम हमारी बहनें और प्रीति, उसमें आप लोग एंजॉय करिएगा, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। तो हॉस्पिटल का जो अंदर का सीन है, जहाँ हम दवा लेंगे, वो चीज़ भी आपको दिखाएँगे। हम यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में इंटर कर चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर लोग कम ही आते हैं यहाँ पर। गांव के अंदर है ये अस्पताल हमारे, हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है, आधा या एक यही इतना अंदाज़ा है, लेकिन मतलब है हॉस्पिटल ये। तो डॉक्टर साहब की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और हम अंदर आ गए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा टहल लें और उसके बाद फिर दवा लेके तो रिपोर्ट उनको दिखाएंगे, जाएंगे घर, फिर कल गोठने की रस्म, फिर लास्ट में अंदर वाला सीन दिखाएंगे। आप लोग बने रहिएगा, ये देखिए जलाशय पानी का, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, और यहाँ पर फिर हम लोग जो है आए हैं, सामान जो हम लोग लाए हैं देने के लिए, वो मतलब पाव पूजन का और नेवता होता है ऐसे हमारे यहाँ बोला जाता है, तो वही दीदी लोग ले जा रहे हैं देने के लिए। तो फिर हमने बस थोड़ा सा 1 मिनट का क्लिप निकाला हुआ, क्योंकि कमरे में अंधेरा था। इसके बाद होगी कलश गोठने की रस्म, तो कलश गोठने में आप लोग गीत वगैरह सुनेंगे, यही सब साड़ी है, सामान है, सब लोग हम बहने लाए हैं अपना अपना। प्लीज आप लोग फुल एंजॉय करना, लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज। हमारे बिल्कुल बनवा मन माए के हाथ बल्कि रहा कर सुर वाला काम है, बल्कि हम रहा कर चले ठीक बा। अरे ने छुआ डांस भी दिए बल्कि नंदी हम दो मिनट हो गया, का करिए अब हम एक ना करब ना, एक कर सिर्फ ये एक ही। बैक मार दिया बे मम्मी, गोबर गोया भगवान पूजा हो रहा है, गोबर से उल्टा पोटा काम करा हे मम्मी, बैक मार दिया। बस
तो गाइस यहां पर मैं वॉइस जो थोड़ा बहुत है म्यूट नहीं करूंगी, प्लीज आप लोग फिर एंजॉय कीजिएगा वीडियो, कैसी लगी बताइएगा जरूर। बारिश की वजह से कुछ चीजें अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, छोटी-छोटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं। तो है हॉस्पिटल के अंदर का सीन जहां की मतलब बैठी हुई हैं दवा देने के लिए, यहां पर पर्ची बनाई जाती है और डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये देखिए मैडम मैं जो दवा देती हैं, बोल रहे थे कि शादी है तो वहां का एंजॉय करिए। हम कहे क्या एंजॉय करें डॉक्टर साहब, पानी बारिश है। फिर हमने रिपोर्ट दिखाई, देखिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और दवा दिए हैं हमको, दवा बाहर की लिखे हुए हैं, कहें डरिए मत ठीक हो जाएगा, थोड़ा भाप वगैरह लेते रहिए। तो जो है यही सब है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा बनाया गया था, लेकिन जिस हिसाब से हॉस्पिटल हमारे यहाँ बना है ना, तो उस हिसाब से डॉक्टर लोग हैं यहाँ पर, ना ही व्यवस्थाएं हैं। ये है कि इमरजेंसी के लिए सुबह 9 से 12 मतलब 2 बजे तक, 10 बजे खुलता है हॉस्पिटल, दवा मिल जाती है और अच्छे डॉक्टर लोग रहते हैं, बाहर की दवा भी लिखते हैं तो काम हो जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।